यस मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्क्रीन विजिबल हो रही है आप सभी को? यस मैम। ओके, सबसे पहले तो व्हाट इज दिस रिफ्रैक्शन? डिटरमिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव स्टेटस ऑफ द आई, ठीक है, दैट इज रिफ्रैक्शन। अब ये ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। ऑब्जेक्टिव इज रेटिनोस्कोपी, सब्जेक्टिव इज सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन क्या है? टू डिटरमाइन बाय सब्जेक्टिव मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेरिकल एंड सिलेंड्रिकल लेंसेज नेसेसरी टू प्रोवाइड बेस्ट विजुअल एक्विटी, है ना। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि व्हाट इज दिस, कि इसमें हम क्या करते हैं, स्पेरिकल एंड सिलेंड्रिकल लेंसेज के कॉम्बिनेशन लगाते हैं ताकि बेस्ट विजुअल एक्विटी हो सके, ठीक है। इसका प्रिंसिपल भी आप लोगों को यही बताया था कि कॉम्बिनेशन होता है स्फेयर एंड सिलेंड्रिकल लेंसेज का, जो आर्टिफिशियली प्लेस होते हैं कहाँ पे, फार पॉइंट ऑफ ईच लेंस ऑफ पेशेंट एट इंफिनिटी, ठीक है। प्लस माइनस, मैक्सिमम प्लस, मिनिमम माइनस, और वर्टेक्स डिस्टेंस लेते हैं इसमें, हाई प्रिस्क्रिप्शन, स्पेशली फॉर हाई प्रिस्क्रिप्शन के लिए इसे हम यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जो कि हमें बेस्ट विजुअल एक्विटी देता है विथ एकोमोडेशन रिलैक्स, ठीक है। फिर हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, जैसे कि हमने जैक्सन क्रॉस सिलेंडर मेथड पढ़ा था कल, है ना। फॉगिंग मेथड भी हमने पढ़ लिया, ड्यूक्रोम टेस्ट भी हमने पढ़ लिया, वर्ड फोर टेस्ट भी हमने पढ़ लिया, स्टीनोपिक स्लिट भी हमने पढ़ ली। बाकी जो आगे के टेस्ट है, दैट इज AST, रेशियो, फन, सनब्रस्ट, डायल ऑब्लिक क्लॉक डायल, रेड ग्रीन फिल्टर भी हमने पढ़ लिया था, सनबर्स्ट डायल ऑब्लिक क्लॉक डायल भी पढ़ लिया था, मैडॉक्स रॉड, बाइनोकुलर बैलेंसिंग, बाइनोकुलर बेस्ट विजन स्पेयर, ये सब टेक्निक्स रहती है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. ये तो हमने सब प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया था बेटा। एस्टिग्मैटिक फैन भी पढ़ा था, सनबर्स्ट डायल ऑब्लिक क्लॉक डायल, रेड ग्रीन फिल्टर्स। नाउ व्हाट इज दिस मैडॉक्स टेस्ट? इसमें क्या होता है, 4 to 5 सिलेंडर्स ऑफ रेड ग्रीन प्रिज्म के लेते हैं। क्या करते हैं इसमें, हम 4 to 5 सिलेंडर्स लेते हैं किसके, रेड ग्रीन प्रिज्म के, ठीक है। यूज्ड साइड बाय साइड इन अ राउंड डिस्क फ्रेम, एक राउंड डिस्क फ्रेम होता है जिसमें हम 4 to 5 सिलेंडर्स लेते हैं रेड ग्लास प्रिज्म के, उनको आपस में साइड बाय साइड फ्यूज करते हैं उस राउंड डिस्क फ्रेम के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, इट मे गिव द इफेक्ट गिवन बाय, कैसा इफेक्ट देगा, डीपली ग्रूव्ड रेड ग्लास, देख रहे हो आप लोग, डीपली ग्रूव्ड रेड ग्लास जैसा इफेक्ट दिखेगा हमें, जिसे हम मैड ग्रूव भी बोलते हैं। और क्या करेगा ये, हेट्रोफोरिया को डिटेक्ट करेगा, हेट्रोफोरिया कंडीशन को डिटेक्ट करेगा, और एज इट डिसोसिएट टू रेटिनल इमेजेस, ये दो रेटिनल इमेजेस को भी डिसोसिएट करेगा।
ठीक है। सो मैडोन रॉड मेथड के अंदर क्या होता है, 4 to 5 रेड ग्लास प्रिज्म होते हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं एक राउंड डिस्क के अंदर, ठीक है। इससे कैसा इफेक्ट दिखेगा, डीपली ग्रूव्ड रेड ग्लास दिखेगा। तो मैं दिख रहा है ना, बीच में रेड रेड ग्रूव्ड रेड ग्लास, ठीक है। टू डिटेक्ट हेट्रोफोरिया, हेट्रोफोरिया को डिटेक्ट करता है, और जैसे ही ये डिसोसिएट होता है दो रेटाइनल इमेज के अंदर, ठीक है, एज मैकुलर फंक्शन टेस्ट, मैकुलर फंक्शन टेस्ट की तरह दिखता है ये। कुछ क्लियर हो रहा है जो मैं बता रही हूँ? यस, कुछ क्लियर है? यस और नो? यस और नो? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सृष्टि, सलोनी? यस मैम, आ रही आवाज? सो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही मैम? मैं आ नहीं आ रहा। यस मैम, आप बताइए। देन है एम्पलर ग्रिड टेस्ट, ठीक है, एम्पलर ग्रिड टेस्ट, ओके। एम्पलर ग्रिड कैसे दिखता है, ग्राफ पेपर की तरह दिखता है, विद डार्क लाइन फॉर्मिंग अ स्क्वायर ग्रिड। ग्राफ पेपर की तरह दिख रहा है ना, जिसके अंदर ये जो डार्क डार्क सी लाइनें दिख रही है, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है अंदर, ठीक है। सम वर्जन्स हैव व्हाइट लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड, जैसे इसमें क्या है, व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक लाइंस है, कुछ जगह पे क्या होता है ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट लाइंस होती है, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट साइंस ऑफ मैकुलर डिग्रेडेशन कैन बी वेवी ब्रोकन एंड डिस्टॉर्टेड लाइन। मैकुलर डिग्रेडेशन का क्या साइन है, या तो ये जो है वेवी दिखेगा, या टूटा हुआ दिखेगा, या फिर डिस्टॉर्टेड लाइन दिखेंगे, और ए ब्लर्ड ब्लर्ड दिखेगा, और मिसिंग एरिया ऑफ विजन दिखेगा, ठीक है। एम्पलर ग्रिड कैन हेल्प यू सपोर्ट दीज अर्ली, ठीक है। एम्पलर ग्रिड से क्या होता है कि देख के आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ बेड एएमडी इज क्रिटिकल, अर्ली डिटेक्शन जो है वो क्रिटिकल है, क्योंकि बिकॉज लेजर ट्रीटमेंट व्हेन इंडिकेटेड इज मोस्ट सक्सेसफुल व्हेन परफॉर्म बिफोर डैमेज अकर। डैमेज होने से पहले ही अगर हम इस टेस्ट के थ्रू पता लगा लेंगे क्या प्रॉब्लम है और लेजर करवा लेंगे, तो उससे क्या होगा, डैमेज होने से बच सकते हैं, ठीक है। तो ड्राई एएमडी कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वेट एएमडी। कुछ समझ में आया एम्पलर ग्रिड? यस और नो, कुछ रिप्लाई तो करिए। कुछ समझ में आया नहीं आया? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस मैम, बाकियों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स को? यस मैम, आ रही है। सर, ममता, देन है बायनोकुलर ब्लांटिंग। बायनोकुलर ब्लांटिंग में क्या होता है, बायनोकुलर बैलेंस टेस्ट होता है, ठीक है, आफ्टर अ मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। पहले आप लोग ये जो अभी मैंने दो मेथड बनाया उसे नोट डाउन कर लो। मैडॉक फ्रॉड के बारे में लिख लो पहले, 4 to 5 सिलेंडर ऑफ रेड ग्लास, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 4 से 5 सिलेंडर होते हैं रेड ग्लास फ्रेम के। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम, नोट डाउन करिए मैडॉक्स मेथड को।
मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? आ रही है स्क्रीन? नो मैम। रुको मैं देख रही हूँ स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही। अब हो रही है? नो मैम। अभी भी नहीं हो रही? नो मैम। हो रही है अब? यस मैम अब हो रही है। ठीक है तो ये मैडॉक्स रोड को नोट डाउन करिए सबसे पहले आप ना। जब तक नहीं नोट डाउन करेंगे तब तक कैसे समझ में आएगी चीजें? लिख रहे हैं आप लोग? यस मैम। नोट डाउन करिए। यस सर। उतार लिया सभी ने? नोट डाउन कर लिया? यस मैम हो गया। नेक्स्ट इज एंसलर ग्रिड, इसके बारे में लिखिए।
नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। ओके हो गया नोट डाउन। यस हो गया। मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस मैम। ओके कर लो अभी नोट डाउन, जब हो जाए बताओ। ओके आंसर हो। यस नोट डाउन कर लिया सबने? यस मैम। ओके और नेक्स्ट मेथड है बाइनोकुलर बैलेंसिंग। ठीक है, बाइनोकुलर बैलेंसिंग टेस्ट कब होता है? आफ्टर अ मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। पता लगाने के लिए अकोमोडेशन इज बैलेंस्ड इन टू आईज। ठीक है, बाइनोकुलर बैलेंसिंग कब होता है? मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के बाद पता लगाने के लिए कि अकोमोडेशन जो है वो दोनों आई को बैलेंस कर रहा है नहीं कर रहा। There is no need to perform this test if patient is monocular. अगर patient monocular है तो कोई जरूरत नहीं है, या फिर कोई accommodation नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है इस test को perform करने की। ठीक है, बहुत सारी technique होती है that have been described previous, जो पहले describe की गई है, जो effectively use करती है क्या plus और minus techniques को best vision determination के लिए। ठीक है, binocular condition में After first fogging, पहले fogging करते हैं rather than occludating the non-tested eye. Occludating करने की बजाय fogging करते हैं। दोबारा बता देती हूँ, binocular balancing monocular के बात करते हैं। अगर किसी की आई monocular है तो binocular की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी में no accommodation है तो binocular की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स है जिसे डिस्क्राइब किया गया पहले, जो इफेक्टिवली यूज द
डिफेक्टिवली यूज करती है क्या, प्लस माइनस टेक्निक और बेस्ट विजन स्पेयर डिटर्मिनेशन, ठीक है, अंडर बाइनोकुलर कंडीशन, ठीक है, आफ्टर आफ्टर फर्स्ट फॉगिंग, पहले फॉगिंग करके ऑक्लूडिंग द नॉन टेस्टेड आई ना करके फॉगिंग करके, ठीक है, क्या क्या मेथड है बाइनोकुलर बैलेंसिंग के, प्रिज्म डिसोसिएशन, ब्लू ब्लर बैलेंस एंड अल्टरनेट ऑक्लूशन। एग्जाम्पल, अंडर बाइनोकुलर कंडीशन एम्बायलोपिक आईज एक्सेप्ट करती है मोर देन इंडिकेटेड करेक्शन एंड ऑब्टेन करती है ज्यादा एक्विटी, ठीक है, जैसे विजुअल एक्विटी जो है 6/6 राइट आई की, लेफ्ट आई की 5/6 है, अगर रेटिनोस्कोपी करते हैं तो +1 DS होता है राइट आई का और लेफ्ट आई का 4 होता है, ठीक है, विजुअल एक्विटी राइट लेफ्ट आई की क्या होती है 4, ठीक है, और DS क्या होता है 6/16, मोनोकुलर और बायोकुलर में ही होता है, मोनो में 6/24 होता है, बायोकुलर में 6/18 होता है, मोनोकुलर में जो होता है +2.50 DS होता है और बायोकुलर में +3.50 DS। अब ये दो मेथड बताए, प्रिज्म डिसोसिएशन मेथड और एक और बताया है अल्टरनेट ऑक्लूजन, ये मेथड हम के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्रिज्म डिसोसिएशन मेथड में क्या होता है, राइट आई सपोज करो -3 डेल्टा बेस अप है और लेफ्ट वाली क्या है बेस डाउन है, चार्ट जो है वो सेपरेटली दिखेगा, देख रहे हो आप, ये एपेक्स है, ये बेस है, ये ऑब्जेक्ट है और ऊपर इमेज दिखेगी। इफ द विजन ऑफ बोथ आई, इफ विजन इन बोथ आई 2/6/12, अगर विजन जो है दोनों आई की 6/12 है, ठीक है, ऑन टू स्पैरो या सिलेंडर लेंसेस ऑन मोनोकुलरली, ठीक है, अगर विजन जो है दोनों आई की 6/12 है स्पैरो और सिलेंड्रिकल लेंसेस के अंदर मोनोकुलरली, तो हम एज्यूम करेंगे जो आई है वो कैपेबल है 6/6 एक्यूटी के लिए, ठीक है, अगर एक आई की विजुअल एक्यूटी रिड्यूस हो जाती है तो क्या होगा, ए रो ऑफ लेटर एटलीस्ट 2 रो लार्जर देन दैट ऑफ पावर आई ऑफ बेस्ट एक्यूटी, मतलब जो लेटर्स की रो है कम से कम 2 रो जो है वो बड़ी होनी चाहिए देन द पावर ऑफ बेस्ट एक्यूटी, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, यस मैम। देन है अल्टरनेट ऑक्लूजन टेक्निक, ये दोनों की दोनों मेथड किसके हैं हमारे बाइनोकुलर बैलेंसिंग के, ठीक है, अल्टरनेट ऑक्लूशन मेथड में क्या है टारगेट स्मॉलेस्ट एक्यूटी लेटर पेशेंट कैन रीड थ्रू स्पैरो सिलेंड्रिकल करेक्शन, पेशेंट किससे रीड कर सकते हैं छोटे छोटे एक्यूटी लेटर को स्पैरो सिलेंड्रिकल करेक्शन से, अल्टरनेटली ओकुलेट द पेशेंट आई विद कवर पैडल, कवर पैडल से उसको ओकुलेट कर देंगे, कवर कर देंगे, अगर इमेजेस इक्वली दिखेगी तो बैलेंस करेक्ट है, अगर नहीं दिखेगी तो दो ऑप्शन है एड प्लस से स्फीयर, उस केसेस में हमें क्या करेंगे 0.25 का प्लस को ऐड करेंगे या फिर माइनस स्फीयर 0.25 को माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे इक्वली क्लियर दिखेगा, प्लस करेंगे इक्वली ब्लर दिखेगा, फाइनली कंफर्म करने के लिए +2/5 DS बिफोर ईच आई हर एक आई के आगे रख देंगे, अगर बैलेंस करेक्ट है तो इक्वली ब्लर दिखेगा, ठीक है, फिर है बाइनोकुलर बेस्ट स्पेयर, ये भी एक मेथड है, ठीक है, देन बाइनोकुलर बेस्ट स्पेयर आई
आर साइमल्टेनियसली फोग, दोनों आईज को एक साथ फोग करेंगे, देन अनफोगिंग करेंगे जब तक कि मैक्सिमम बाइनोकुलर एक्यूटी ना पहुंच जाए, ठीक है। स्फेरिकल एंड पॉइंट जो है वो मैक्सिमम प्लस और मैक्सिमम माइनस पावर जो प्रोवाइड करेंगे मैक्सिमम बाइनोकुलर विजुअल एक्विटी को, ठीक है। दीज एंड पॉइंट्स आर यूजुअली अबाउट प्लस 0.50 डीएस, मोर प्लस एंड लेस माइनस एंड दोज फाउंड मोनोकुलरली, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? यस समझ में आ रहा है बेटा को? यस ये अलग अलग तरीके बता रहे हैं किसके लिए, सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन के लिए, अच्छी एक्विटी दिखे। तो मैंने आप लोग को बताया था ना कि एक फ्रेम सा लगा देते हैं जिसमें ये अलग अलग साइज के अलग अलग पॉइंट डायरेक्टर के वो लगाते हैं, लेंसेज लगाते हैं और देखते हैं किसमें आपको साफ दिख रहा है, वही टेस्ट है ये अलग अलग। सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन एट नियर, सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन एट नियर, नियर पॉइंट का हम सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन लिखेंगे। नियर रिफ्लेक्शन रेफर टू द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रेक्टिव स्टेट व्हेन द पेशेंट इज फिक्सिंग एट नियर पॉइंट। अगर किसी नियर पॉइंट के पास पेशेंट को फिक्स कर देंगे तो जो सब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन क्या होगी, मेजरमेंट ऑफ रिफ्रेक्टिव स्टेट ऑफ द आई ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इट इज यूजफुल इन कंडीशन, कौन सी कंडीशन में यूजफुल है, जो सिग्निफिकेंटली अल्टर करती है रीफाइंडिंग द नियर, जो पास की चीजों को अल्टर करती है उसके लिए यूजफुल है ये, जैसे कि एज एस्टिमेटेड एड इन डायप्टर रिफ्रेक्टिव एरर, जब पेशेंट एक जगह फिक्स हो जाएगा, जैसे कि एज दे रखी है 38 से 40, 40 से 43, 43 से 45, 45 से 47, 47 से 50, 50 से 52, 52 से 55 एंड 55 से ऊपर वाले, उनके अंदर कितना ऐड करना चाहिए नियर, ठीक है। नियर जो पेशेंट होते हैं कितना ऐड करना चाहिए, 0.75 से 1 डीएसपी, 1 से 1.5 डीएसपी, 1.25 से 1.50, 1.50 से 1.75, 1.75 से 2 डीएसपी, 2 से 2.25 डीएसपी, 2.25 से 2.50, 2.50 से 3 डीएसपी, ठीक है। हमें चाहिए प्लस 3 डीएसपी नियर एड फॉर अल्फा किया पेशेंट, जो अल्फा किया पेशेंट होते हैं उनके में ऐड होती है प्लस 3 से ऊपर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि प्लस 3 के ऊपर जो है वो नहीं है इसका, ठीक है, क्लियर है। क्या क्या प्रोसीजर है इसमें, पहले हाँ जी बोलिए, पहले पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे, उसका वर्किंग डिस्टेंस देखेंगे, फिक्सेशन टारगेट देखेंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसकी विजुअल एक्विटी को रिकॉर्ड करेंगे, डिस्टेंस अनएडिट करेंगे, ऐड करेंगे, पिनहोल टेस्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे, लोकेटेड प्रिंसिपल मेरिडियन देखेंगे, प्रोसीजर फॉर एस्टिग्मेटिज्म देखेंगे, देन रिकॉर्ड नियर विजन प्लस नियर करेक्शन, मेजरमेंट आईपीडी, प्रिस्क्रिप्शन एंड एडवाइस देंगे उसे। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर आते हैं एक सब्जेक्टिव रिफ्रेक्शन के लिए, ठीक है। समझ में आया? Yes. तो ये सारे के सारे मेथड हमने डिस्कस करे, कल जो हमारी कुछ टेक्निक्स रह गई थी वो हमने आज डिस्कस करी, तो आप सभी को क्लियर है? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
किसी को कुछ डाउट? मैम मैम आज टेस्ट लोगी आप? हाँ बेटा मैम टेस्ट लोगी? नहीं आज नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली कल होगा। कल डाल देना ग्रुप में, कल होगा टेस्ट। ओके हो सकता है लेकिन लास्ट लेक्चर में हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कल होगा। ठीक है? यस मैम। मैम अब तो लास्ट लेक्चर ही है। हाँ इसको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट हो। नो मैम। ओके मुझे कल मॉर्निंग तक दे देना बेटा। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? चलिए ठीक है सब। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है।